नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशेंस में फाइल कैसे लॉगिन करते हैं। साथ में ही आपको ये भी बताएंगे कि पेशेंस का जो DSA है वो आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको ID पासवर्ड मिलेगा और कंप्लीट आपको लॉगिन करना भी सिखाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से पूरा प्रोसेस एक ही बार में समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और पेशेंस का जो पोर्टल है वो ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका ID पासवर्ड डालेंगे और हम लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा, और ऐसा आने के बाद हमें यहाँ पर क्रिएट लीड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। फाइल लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट न्यू लीड करेंगे। यहाँ पर आ रहा है सर्च फॉर कस्टमर। अगर किसी कस्टमर का हमें चेक करना है कि उसका ऑलरेडी लॉगिन है, किसी और ने किया है, तो सिंपली हम यहाँ पर उसका नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। और अगर हमें कोई फ्रेश लीड डालनी है तो हम सिंपली यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर प्रोसेस करेंगे क्रिएट न्यू लीड। यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर कस्टमर का फर्स्ट नेम डालेंगे, तो चलिए मैं डाल देता हूँ कस्टमर का। यहाँ पर से लास्ट नेम डालेंगे, चलो मैं लास्ट नेम डालता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है DDMMYY फॉर्मेट में, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नीचे आएंगे। यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेल आईडी आएगा इसके बाद। यहाँ पे कोई भी आप मेल आईडी डाल सकते हैं कस्टमर से लेकर के, तो चलो मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। दोस्तों मैं अभी ऐसे ही लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको, अपनी कस्टमर की करेक्ट डिटेल्स डालनी है। मैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल बता देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कैसे लॉगिन करना है। तो अगर हमारा कस्टमर जॉब करता है और सैलरी उसकी 20+ है तभी इसमें लॉगिन करेंगे। तो अगर जॉब करता तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, तो चलो मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ कुछ आपको ऐसे ही बताने के लिए। यहाँ पे कस्टमर की सैलरी डालेंगे, कस्टमर की सैलरी कितनी है वो टाइप करेंगे। तो मान लीजिए 30,000 कस्टमर की सैलरी है, मैं 30,000 डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डालेंगे जहाँ पर कस्टमर रहता है, लोकल एड्रेस जो होता है जहाँ रहता है कस्टमर, वहाँ का एड्रेस डालेंगे। तो चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आप इसमें आसानी से फाइल लॉगिन करना सीख पाएंगे। एक भी पार्ट आप मिस करेंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगा फिर। यहाँ पे नियर बाई डालेंगे लैंडमार्क। और यहाँ पे दोस्तों कस्टमर का पिन कोड डालना है जहाँ पर भी उसका पिन, जहाँ पर जो भी आधार कार्ड या जो डॉक्यूमेंट से आपने पिन कोड उठाया वो पिन कोड डालना है यहाँ पे। तो चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम चूज करेंगे यहाँ पे कस्टमर रेंटेड है इस जगह पर या उसका अपना घर है, तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम मांग रहा है दोस्तों, ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। एम्प्लॉयर नेम का मतलब होता है कंपनी का नाम, जिस कंपनी में वो वर्किंग है उसका नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे लोन अमाउंट टाइप करेंगे, तो चलो मैं लोन अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कस्टमर बिजनेस करता है, उसका बिजनेस लोन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सैलरीड की जगह हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन बदल गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पूछ रहा है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम दोस्तों इसमें ITR से उठाएंगे। ITR पेशेंस में मैंडेटरी है, ITR कस्टमर का अगर नहीं है तो इसमें उसका लोन होगा नहीं। तो ITR मान लीजिए कस्टमर ने किसी एक साल
5 लाख की भरी हुई है, दूसरी साल उन्होंने भरी हुई है 4,98 की, तो हम दोनों अमाउंट को जोड़ करके यहाँ पे डालेंगे। तो 5 लाख प्लस 4,98 बराबर 998, 9,98,000 हो गया। अब यहाँ पे पहले साल का डाल दें, लेटेस्ट ईयर डाल दिया ये, और यहाँ पे प्रीवियस का डाल देंगे। ये इनकम डालनी है दोस्तों, ध्यान रहे ऐसे ही आपको लॉगिन करना है, आप गलत करेंगे तो आपका अप्रूवल नहीं आएगा। ये डाल दिया हमने, इसके बाद हमें पूछ रहा है यहाँ पे वही सेम आ गया। इसके बाद बिजनेस एंटिटी टाइप, यहाँ पे आपको डालना है कि कस्टमर का बिजनेस कैसा है, प्रोपराइटर है या प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है। तो हम यहाँ पे प्रोपराइटरशिप कर लेते हैं, अगर कस्टमर खुद ही डायरेक्टर है और एक ही चला रहा है तो प्रोपराइटरशिप में आएगा कि। अब इसके बाद पूछ रहा है बिजनेस विंटेज ईयर, यहाँ पे बताना है हमें कि कस्टमर का जो बिजनेस है वो कितने साल से चल रहा है। तो चलिए हम नंबर डाल देते हैं, 5 साल से चल रहा है। अब मांग रहा है कस्टमर के बिजनेस का नाम, तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देते हैं, आपको अपने कस्टमर का बिजनेस का नाम डालना है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कस्टमर के बिजनेस का नाम एंटर करना है, बेस छोटा सा यहाँ पे अदर कंपनी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में नहीं आ रहा कि नया बिजनेस है, अगर उसका लिस्टेड बिजनेस होगा तो यहाँ पे सर्च करने पे आ जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे टिक करके अदर कंपनी में और यहाँ पे इस नाम को सेम एज इट इज डाल देंगे और यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों ये डिटेल्स सारी फिल करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, और एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद कस्टमर के पास एक OTP जाएगा, वो OTP इंटर करेंगे तो कस्टमर का अप्रूव्ड या रिजेक्ट का जो भी होगा मैसेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। ऐसे देख सकते हैं गाइस ये केस मैंने लगाया था, ये रिजेक्ट हो गया है, तो अगर आपका कोई केस अप्रूव होता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है अप्रूवल का केस। दोस्तों जैसे ही आपका अमाउंट अप्रूव होगा, अप्रूवल आने के बाद कुछ इस तरह से आपका अमाउंट दिखेगा, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अप्रूवल आने के बाद कुछ इस तरह से स्टेप बाई स्टेप सारा कुछ खुल के आ जाएगा आपके सामने। सिंपली हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है, कस्टमर को कितना अमाउंट चाहिए, 2 लाख का अगर अप्रूवल आया, पूरा अमाउंट लेना चाहता है तो हम यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद हमें टर्नओवर सेलेक्ट करना है, कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए चाहिए। चलिए हम यहाँ पर 60 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कंप्लीट डिडक्शन और GST वगैरह सारा कुछ आपको शो कर जाएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कस्टमर के अकाउंट में कितना अमाउंट डिसबर्स होगा। यहाँ पर रीजन फॉर लोन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई किए हैं तो पर्सनल लोन पर्सनल यूज लिखेंगे यहाँ पर। अगर दोस्तों आप बिजनेस लोन अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस यूज लिखेगा यहाँ पर। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद कुछ हमारे सामने इस तरह से सेकंड पेज ओपन होकर के आ जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द कैटेगरी, तो हम यहाँ पे अदर कर देंगे। सब इंडस्ट्री पूछ रहा है, इसमें भी हम अदर कर देंगे, तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ इसको। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच कीजिएगा, अदरवाइज आपकी बहुत कम समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देंगे हम कस्टमर की, यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र, तो हमें बताना है कि कस्टमर की जो सैलरी है वो कैसे आती है, तो हम डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सैलरी स्लिप डाल देता हूँ, यहाँ पे अपलोड पर टिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इसका अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा लिख करके। थर्ड स्टेप में हमें ये करना है, तीसरे स्टेप में हमें जो कस्टमर है हमारा उसके पापा का नाम डालना है, यहाँ पे माता जी का नाम डालना है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। अनमैरिड है या शादीशुदा है, तो हम यहाँ पे मैरिड कर देते हैं।
उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ये थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे फोर्थ स्टेप में, जिसमें हमें आइडेंटिटी प्रूफ वो करना है, अपलोड करना है। तो दोस्तों थर्ड स्टेप कंप्लीट हमने फिल कर दिया है। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने जो फोर्थ स्टेप है आइडेंटिटी प्रूफ का, वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है वो कस्टमर का आपको फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का फोटो अपलोड करना है और एक बार व्यू सेल भी करके देख लेना फोटो क्लियर दिख रहा है। तो चलिए मैंने कस्टमर फोटो अपलोड कर दिया है, आपको आपके कस्टमर का करना है, आपको ये सब नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट फाइव स्टेप पर, जिसमें हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हमारा खुल के आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर कस्टमर ने हमें आधार कार्ड दिया हुआ है फिजिकल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन अपलोड करना चाहें तो आधार XML पर क्लिक करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं OTP के माध्यम से, लेकिन हमारे कस्टमर ने आधार कार्ड दे रखा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके आधार कार्ड का एड्रेस डालेंगे। डालने के बाद हम यहाँ पे आप देखते रहिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे परमानेंट डालेंगे कस्टमर का, जो भी वहाँ का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे प्रोफाइल को। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑफलाइन आधार। ऑफलाइन आधार में कस्टमर का फ्रंट का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। मैंने कर दिया, आपको बंदर की फोटो अपलोड नहीं करनी है, आप आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद दूसरा आता है कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे भी आप एड्रेस में यहाँ पे कम्युनिकेशन आधार सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद कस्टमर का फ्रंट साइड अपलोड करेंगे आधार कार्ड का, इसके बाद कस्टमर का बैक साइड। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर के आ जाएगा। तो जो हमारा छठवां स्टेप है वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कस्टमर का बैंक अकाउंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी कस्टमर की बैंक अकाउंट का नाम है मैं सेलेक्ट करके डाल देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ और बैंक स्टेटमेंट पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया है और यहाँ पर मेरा बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड हो गया है। सिंपली हम यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बैंक का अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर IFSC कोड करेक्ट डाल करके और कंटिन्यू पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सो दोस्तों हम यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर करेक्ट डालेंगे। आपको अपने डिटेल्स में करेक्ट फिल करना है। चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका जो केस है वो क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद आपको कस्टमर को कॉल करके बोलना है प्ले स्टोर से, एक जो ऐप आता है पेशेंस का उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद उसमें कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से जो अपना केस है डिसबर्स हो जाएगा।